रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने मतगणना शुरू होने के बाद ईवीएम मशीन पर गड़बड़ी का लगाया बड़ा आरोप। उनका कहना है कि प्रशासन भाजपा के सारे पर काम कर रहा है, जिसमें डीएम उनका साथ दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मशीन पैक हुई तो 60% बैटरी थी, अब 99% चार्ज कैसे हो गई, कुछ मशीनों के नंबर भी मिलान नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 5 मशीनों पर हेर फेर का भी आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर से कहना था 5 मशीन बदली गई है, 17C फॉर्म में जो मशीनों के नंबर थे वह मशीनों के नंबर उसमें नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि जब यही करना था तो चुनाव क्यों कराया गया, रीवा में हंगामे की स्थिति निर्मित हो सकती है। आइए आपको सुनाते हैं। इसका मतलब है कि 20% वोट बढ़ाए गए बदमाशी कर, और हमें इसका इतराज है और हम इसके लिए हम यहीं धरना देंगे कलेक्टर के सामने बैठ के, क्योंकि हम ये मंजूर नहीं करेंगे। हम मान ही नहीं सकते कि जनता ने जनार्दन मिश्रा को वोट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं, इनने कांग्रेस की वोट डाइवर्ट कर दी है बीजेपी में, इस बार बहुजन को छोड़ दिया, कांग्रेस की वोट कर दी, इनको मालूम है कांग्रेस में वोट पड़ी और इतनी कम वोटिंग हुई, इतनी कम वोटिंग हुई, सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी को इतनी वोट मिली हो, है ना। तो आगे हम बढ़ने नहीं देंगे ईवीएम को, देखते कैसे चुनाव होता, हम यही बैठेंगे देखते कैसे। कलेक्टर मिली नहीं रही, यहाँ से वहाँ घुमा रही है और बोल रही है कि वो हमने ये रिक्शा लगाया, फलाना लगाया, परेशान किया जा रहा है, मुझे पैदल बुलाया गया, 4 किलोमीटर में अंदर आई हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ रुकवा दी, मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की। तो अगर इस टाइप से भेदभाव होगा तो क्या मतलब शासन प्रशासन का, इससे अच्छा है कि चुनाव नहीं कराते। इनको अपनी सीट वैसे ही बना लेनी है, जब चाहे 300 दबा लें चाहे 500 दबा लें, तो हम लोग पागल बैठे यहाँ की मेहनत करके यहाँ पागल खाने में बैठे हैं क्या है? हम चुनाव नहीं होने देंगे, हम आगे नहीं देखे, बढ़ने नहीं देंगे, देखते कैसे बढ़ाते हैं। क्या मानती रीवा डीएम पे कुछ आरोप? डीएम तो मिली हुई है पूरी, डीएम ही तो मिली हुई है पूरी, सीधी सी बात है, पिछला चुनाव में भी गद्दारी हुई है, इस चुनाव में भी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मतगणना निष्पक्ष रूप से की जा रही है और किसी भी ईवीएम मशीन पर कोई भी हेरफेर नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ईवीएम बदले जाने के संबंध में मीडिया में आपत्ति दर्ज की गई है, तत्संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आज मतगणना के दौरान रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है उनका नियमानुसार निराकरण किया गया है। यहाँ ये स्पष्ट है कि ईवीएम रेंडमाइजेशन की समस्त सूचियां मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदत्त फॉर्म 17C जो अभ्यर्थियों के पास भी उपलब्ध है, प्रदर्शित ईवीएम एवं मतगणना टेबल पर आई। ईवीएम में कोई भी अंतर नहीं है, ईवीएम बदले जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी पूर्णतः भ्रामक एवं आधारहीन है, जिसका जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खंडन किया जाता है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान ईवीएम बदले जाने के संबंध में मीडिया में आपत्ति दर्ज की गई है, तब संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है जिन अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आज दिनांक को मतगणना के दौरान रिटर्निंग अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जो कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है उनका नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ईवीएम रैंडमाइजेशन की समस्त सूचियाँ मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदत्त फॉर्म 17C जो अभ्यर्थियों के पास भी उपलब्ध है में प्रदर्शित ईवीएम एवं मतगणना टेबल पर आई ईवीएम में कोई अंतर नहीं है, अतः ईवीएम बदले जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी पूर्णतः भ्रामक एवं आधारहीन है, जिसका जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खंडन किया जाता है। ऑलरेडी 99% और 98% वो तो जितना उसमें है उतना ही रहता है। थैंक यू।